नमस्कार। अभी अभी यहाँ पे पप्पू यादव का कार्यक्रम हुआ है, दरौंदा के एक हाई स्कूल में कार्यक्रम हुआ। हमारे शैलेंद्र जी मौजूद हैं, पप्पू यादव जी देखिए ये जन सैलाब आपको बता रहा है कि जनता दरौंदा विधानसभा की जनता मन बना चुकी है कि कैंची छाप पर ही 3 तारीख को वोट देंगे और अब नेता नहीं अपने सेवक से सेवा कराएंगे और अपने घर के बेटा से ही सेवा कराएंगे। जिस तरह से भारी भीड़ दर्शकों का दिख रहा था, हालांकि पप्पू यादव जी चले गए, अभी भी भीड़ उसी तरह है, तो क्या लग रहा है इस बार जनता का? जनता का ही मूड बना चुकी है कि कैंची छाप पर वोट दे करके अपने बेटा को ही जिताएंगे, इंजीनियर शैलेंद्र कुमार यादव को, इसीलिए ये भीड़ दिख रही है। आप लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन कैसे काम कर रही है? भीम आर्मी है, जहाँ पाया सारे लोग गठबंधन के, अटूट गठबंधन है और सारे लोग इंटैक्ट हैं। आप देखे होंगे मंच पर भीम आर्मी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मौजूद थे और जहाँ तक चंद्रशेखर रावण आजाद जी का सवाल था तो वो उनका तबीयत खराब हो जाने के कारण मुझे फ़ोन किए थे, नहीं आ सके, इसलिए मैं उनसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द उनकी स्वास्थ्य के लाभ लें और अच्छी हो कि और जगह वो जा करके अथी करें। लगातार आप क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, क्या लग रहा है जिन चीज़ों को राजद समझाने के प्रयास कर रहे हैं, 10 लाख रोजगार की बात हालांकि पप्पू यादव ने भी मन से कहा, क्या लग रहा है जनता को रिझाने का काम हो रहा है? देखिए 10 लाख रोजगार दे देना कहना बहुत आसान है, विदिन ए सेकेंड आप 10 लाख नौकरी देने की बात कह सकते हैं, लेकिन जब नौकरियां देने जाएंगे पहले ज्ञान होना चाहिए उन लोगों को कि सेंक्शन स्ट्रेंथ कितना है आपके विभाग में, उसके बाद वैकेंसी कितनी निकलनी चाहिए। इन नेताओं को तो ये समझना चाहिए कि सेंक्शन स्ट्रेंथ जो रिटायरमेंट होता है, पोस्ट सरेंडर होता है उसी के साथ, तो पोस्ट सरेंडर ना हो वो रोका जाए तब ना नौकरी दीजिएगा आप, पोस्ट ही नहीं रहेगा तो नौकरी कहाँ से दे। लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना यति होगा, हमारी सरकार बनेगी, हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी, तो युवाओं को जो पप्पू यादव जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी जो रावण उर्फ रावण जी का जो सपना है गरीबों को जो अभी मंच से ऐलान किए, कोई ऐसा देश का पार्टी नहीं है जो हाई कोर्ट में एफिडेविट करके दिया हो, उनका प्रतिज्ञा पत्र और जो है आपको मिलेगा, आप पढ़ लीजिएगा, उससे कहीं भी एक रति इधर उधर नहीं होने वाला है। बिल्कुल, आपको बता दें कि पप्पू यादव ने एक प्रतिज्ञा पत्र पे भी सिग्नेचर किया हुआ, अपना प्रतिज्ञा पत्र बनाया जिसमें एफिडेविट भी दिया हुआ है, एफिडेविट में सिग्नेचर भी उन्होंने किया हुआ है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर पीडीए की सरकार बनती है तो जो काम हम करेंगे वो अभी तक किसी ने नहीं किया है, ना लालू की सरकार ने किया, नीतीश की सरकार ने। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष दीपक सम्राट जी भी आए, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जनता जो है सभी को मौका देती है और जनता इन लोगों से बहुत रुष्ट है, इन लोगों ने धोखा दिया। अभी वो है जो दरौंदा विधानसभा से शैलेंद्र यादव जी योग्य हैं, अपनी नौकरी छोड़ करके आए हैं, तो ज़रूर ये जनता के दर्द को समझेंगे और इस बार जनता जो है बदलाव लेगी और शैलेंद्र यादव जी को तो मैं ये बता देना भाई, ये बदलाव की भीड़ थी, ये पैसे से लाई गई भीड़ नहीं थी। आप देखें कि तमाम जो है हमारा बहुजन समाज जो सेकुलर लोग हैं उन लोगों से भी यही उम्मीद है, सेकुलर की मतलब तो आजकल जो है बहुत लोग गलत समझ चुके हैं, लेकिन आज जो है बदलाव के लिए भीड़ थी और ये बदलाव ये संदेश देती है कि इस बार जो है शैलेंद्र यादव जी यहाँ दरौंदा विधानसभा से उन्हीं को जनता चुनेगी। जो कार्ड राजद ने खेला है 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए, कामयाबी ले जाओ, जाहिलियत है 10 लाख की बात करना, कैसे वो 10 लाख दे देंगे रोजगार? 10 तारीख को चुनाव का परिणाम आ रहा है इसलिए 10 लाख देंगे, और 30 तारीख को आता तो बोलते 30 लाख देंगे। तेजस्वी यादव को पढ़ना चाहिए कि स्टेट की रेवेन्यू कैसे बढ़ती है, जीडीपी कैसे बढ़ती है, पॉलिसी मेकिंग कैसे बनती है, उनको पढ़ना चाहिए जा करके। 9वीं के बाद क्या होता है और 9वीं के बाद कौन सी पढ़ाई होती है उनको मालूम नहीं है, और 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं, वो अपने रोजगार लेने की बात कर रहे हैं, जनता का वोट लेकर के वो अपने रोजगार की बात कर रहे हैं, बिहारियों के रोजगार की बात नहीं कर रही है। हाँ, बिहार के हर गाँव का बच्चा बच्चा तेजस्वी यादव से ज्यादा टैलेंटेड है और तेजस्वी यादव से पढ़ा लिखा है और तेजस्वी यादव से ज्यादा विजनरी है, वो बेवकूफ ना समझे तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को और बिहारियों को। बिहारी वो प्रदेश है जो पूरा शासन प्रशासन चलाता है यूपीएससी और बीपीएससी क्वालिफाइड करके, तो इतना बेवकूफ ना समझे। और बिहार की ये विडंबना है जिस स्टेट से ज्यादा यूपीएससी और बीपीएससी निकलते हैं, आईआईटी और आईएएम निकलते हैं, उस स्टेट में नौकरी देने की बात एक 9वीं फेल कर रहा है, ये तो विडंबना है बिहार की, बिहारियों को सोचने की जरूरत है।
हम लोग दरौंदा में पहुंचे हुए थे, दरौंदा डीसी कॉलेज में, जहां पे पप्पू यादव जी आए थे और उन्होंने शैलेंद्र यादव के समर्थन में एक सभा को संबोधित किया, जहां पे उन्होंने हजारों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो इस बार बहुत सारे वो योजना लेकर आएंगे, लड़कियों के लिए खास करके सुरक्षा प्रदान करना हो, शिक्षा प्रदान करना हो, ये सभी कुछ करेंगे। बताइए क्या कुछ कहेंगे? अरे क्या कहना है, दरौंदा विधानसभा के सारा मतदाताओं से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि ऐसा नेता कभी नहीं मिलेगा दरौंदा में जिन्होंने अपना नौकरी छोड़कर सेवा के भाव से दरौंदा में आए हैं, सेवक बनकर रहेंगे, नेता बनकर नहीं रहेंगे। शैलेंद्र कुमार यादव का यही प्रोग्राम है। शैलेंद्र यादव जी नौकरी छोड़कर जनता की सेवा करने आए हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं कि ये बेटा बनकर सेवा करेंगे, हालांकि 3 नवंबर को जब चुनाव होंगे और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे तो ही पता चलेगा जनता ने किसे अपना विधायक बनाया है और किसे बिहार का अगला सीएम बना रही है। बने रही लगातार हमारे साथ।